चलिए, तो अब हम बात कर रहे थे कि ये जो व्यवस्थाएं हमने देखी हैं, जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स या बंदोबस्त हमने देखे हैं, इन बंदोबस्त के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश सरकार ने, या हम बोलें कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने, है ना, खास तौर से ब्रिटिश गवर्नमेंट बोलने की जगह के सिवाय हमें बोलना चाहिए ईआईसी ने क्या किया था कि जो जमीन थी, जो भूमि थी, उसे एक इस प्रकार की निजी संपत्ति बना दिया था, एक इस प्रकार की प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया था, जिससे कि काश्तकारों को प्रॉफिट नहीं होता था, काश्तकारों का लाभ काफ़ी कम हो चुका था, और ब्रिटिशर्स के लिए या ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए उनका रेवेन्यू मिलना लगभग क्या हो चुका था, तय हो चुका था। ठीक है, तो उन्हें तो उनका रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन जो काश्तकार हैं, जो किसान हैं, उनका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी ज़्यादा घट गया था। ठीक है, पूरे देश में अब भूमि को बेचने, गिरवी रखने और हस्तांतरित की जा सकने वाली वस्तु बना दिया गया था। तो ये एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है कि अब जमीनों को इजीली क्या किया जा रहा है, गिरवी रखा जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, हस्तांतरित किया जा रहा है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, और साथ ही उसे बेचा भी जा रहा है इजीली। ठीक है, तो इस प्रकार की एक कमोडिटी बन चुकी है, इस प्रकार की एक वस्तु बन चुकी है जमीन। ठीक है, लैंड बिकम अ कमोडिटी दैट कैन बी इजीली सेल ट्रांसफर। ठीक है, तो उसे इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है और हस्तांतरित किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ तय हो गई है। ऐसा मुख्यतः सरकार के राजस्व को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। तो अगर ये बात करें कि ऐसा क्यों इन्होंने कर दिया है, लैंड एरिया को या जमीन को इजीली इतना सिंपल क्यों बना दिया है, ताकि गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू मिलना एक प्रकार से सिक्योर्ड हो जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि उनका रेवेन्यू सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, और अपने रेवेन्यू को सिक्योर करने के लिए उन्होंने जमीन को इस तरह से एक कमोडिटी के रूप में, अपनी प्रथाओं के माध्यम से एक कमोडिटी के रूप में चेंज कर दिया। ठीक है, अगर जमीन को हस्तांतरित तथा बिकने वाली वस्तु नहीं बनाया जाता, अगर ऐसा नहीं किया जाता, मान लो अगर जमीन को इजीली अगर ट्रांसफर करने योग्य या फिर इजीली सेल करने योग्य, ठीक है, अगर नहीं बनाया जाता, गिरवी रखने योग्य अगर नहीं बनाया जाता, तो सरकार के लिए काश्तकार यानी किसानों से माल गुजारी निकाल पाना, ठीक है, माल गुजारी वसूल कर पाना काफ़ी ज़्यादा कठिन हो जाता। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट को अगर टैक्स लगाना है और अगर किसान की पैदावार अगर ठीक से नहीं हुई, तो फिर वो कैसे अपनी मालगुजारी प्राप्त कर पाते, कैसे वो अपना टैक्स या रेवेन्यू कलेक्ट कर पाते। ठीक है, अगर जमीन को बेचना, खरीदना, ट्रांसफर करना अगर सरल नहीं होता तो। ठीक है, क्योंकि काश्तकार के पास रकम अदा करने के लिए कोई बचत या कोई ऐसी दूसरी वस्तु नहीं होती थी उस समय, तो किसानों के पास और क्या चीज़ होती। देखिए, किसानों के पास और कोई दूसरी चीज़ तो थी नहीं जिससे कि वो अपना रेवेन्यू भर सकें, या उनके उन्होंने अपनी रकम पहले से जमा करके रखी हुई है, या उनके पास कोई ऐसी दूसरी चीज़ है जिसे गिरवी रखकर वो अपना टैक्स दे सकें। तो इसी चीज के लिए, अपने अपने रेवेन्यू को सिक्योर्ड कर लेने के लिए, ब्रिटिशर्स ने क्या किया है, जमीन को एक कमोडिटी बना दिया है, क्योंकि ऑब्वियसली किसानों के पास कोई दूसरी चीज़ तो है नहीं जिसको वो गिरवी रख सकें, या जो उन्होंने पहले से जमा करके रखी हो, टैक्स इजीली मिल जाए। अब वह मालगुजारी जमा करने के लिए जमीन की जमानत देकर धन उधार ले सकता था, या उसका एक हिस्सा बेच भी सकता था। तो अब क्या कर सकते हैं फार्मर्स, फार्मर्स अपने लैंड एरिया को, अपनी भू को, अपनी जमीन को क्या कर सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं, या फिर उसके किसी पार्ट को बेच भी सकते हैं, ताकि वो अपना रेवेन्यू या अपनी मालगुजारी जमा कर सके। ठीक है, किसे बेच सकते हैं, तो जो भी साहूकार हैं, ठीक है, गिरवी रख दिया या बेच दिया, किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, ट्रांसफर कर दिया, इस तरह से वो अपना रेवेन्यू उन्हें फिल करना ही होगा, रेवेन्यू उन्हें भरना ही होगा। अगर उन्होंने रेवेन्यू नहीं भरा तो क्या होगा, उनकी जमीन ब्रिटिशर्स क्या कर देंगे, बेच देंगे। ठीक है, अगर वह ऐसा नहीं करता है, या अगर वह ऐसा करने से इनकार करता है, तो सरकार मालगुजारी की रकम निकालने के लिए उसकी जमीन को नीलाम कर सकती थी, और अक्सर ऐसा सरकार करती भी थी। ठीक है, तो इफ फार्मर्स डिनाइंग टू गिव रेवेन्यू टू गवर्नमेंट, यदि फार्मर ने, यदि किसानों ने अपना जो राजस्व, अपना जो टैक्स है, वो अगर देने से मना कर दिया, या वो नहीं दे पा रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उसका पनिशमेंट क्या होगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस किसान की जमीन को ही क्या कर देती है, बेच देती थी। ठीक है, और ऐसा कई बार होता था कि वो जमीनों को नीलाम कर दिया करती थी, जिससे कि उनका रेवेन्यू उनको मिल जाए। ठीक है, अब क्या होगा, जमीन को निजी संपत्ति बनाने का एक कारण यह विश्वास था, यह विश्वास भी था कि स्वामित्व का अधिकार मिलने पर ही भूस्वामी उसमें सुधार करने के प्रयास करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखिए, फार्मर्स क्या होते थे ना, किसान जो होते थे पहले, उन्हें ऐसा लगता था कि देखिए, जमीन तो राजा की है, और वो हमें कहीं दूसरी जगह की जमीन दे देंगे, या इधर की जमीन दे देंगे, या उधर की जमीन दे, कहीं ना कहीं की जमीन तो मिल ही जाएगी जहाँ से हमें पैदावार करनी होगी। ठीक है, तो उन्हें ऐसा कोई परमानेंट नहीं था, बाकी उनके पास जमीन रहती थी। लेकिन अब क्या हुआ कि
कि एक जमीन का आपको भूस्वामी बना दिया जा रहा है, आपको उसका ओनर बना दिया जा रहा है, तो अब भूस्वामी बनने रहने के लिए आप उस जमीन में सुधार भी करेंगे, ठीक है। जो फंडामेंटल रिफॉर्म्स की जरूरत होती है खेती करने के लिए किसी जमीन में, तो एक व्यक्ति ना साथ ही उसे अब ये डर है कि उसकी जमीन बिक जाएगी अगर उसने टैक्स नहीं दिया, तो उस डर के लिए वो अपनी जमीन में क्या करेगा, फंडामेंटल रिफॉर्म्स करेगा, कुछ सुधार करेगा, जैसे कि कई बार क्या होता है जमीनें ऊपर नीचे होती हैं जिससे पानी भरा जाता है खेतों में, तो वो इस प्रकार से सिक्योरिटी रखेगा, इस प्रकार की सुरक्षा करेगा, ठीक है। कई बार ऐसे जो जो पालतू जानवर होते हैं वो आपके खेत में बार बार आ जाते हैं, तो वो उन सभी चीज़ों की सिक्योरिटी रखेगा, पानी पानी को इस तरह से मैनेज करके रखेगा कि उसकी पैदावार अच्छी हो। तो जो जरूरी रिफॉर्म्स होते हैं वो किसान के द्वारा किए जाएंगे, फार्मर्स के द्वारा किए जाएंगे, इस बात के डर से कि आखिर अगर उसने टैक्स नहीं दिया तो उसकी जमीन बिक सकती है, उसकी जमीन नीलाम हो सकती है, ठीक है। जमीन को आसानी से खरीदा और बेचा जा सकने वाला एक माल बनाकर अंग्रेजों ने देश भर में प्रचलित भूमि प्रथाओं में एक बुनियादी परिवर्तन कर दिया था, ठीक है। तो अभी तक हमारे देश में जो प्रचलित भूमि प्रथाएं थी, ठीक है ना, जो इतने दिनों से जो लैंड कंडीशंस चलती थी, जो कल्चर अभी तक चलता था जमीन के मामलों में, वो पूरी तरह से बदल चुका था, क्योंकि अब जमीन एक माल, एक कमोडिटी, एक वस्तु के रूप में बन चुकी थी जिसे इजीली ट्रांसफर किया जा सकता है, सेल किया जा सकता है या गिरवी रखा जा सकता है, ठीक है। तो भारतीय ग्रामों का स्वामित्व और उनकी निरंतरता का ढांचा चरमरा उठा था। ब्रिटिशर्स की इस पॉलिसी के कारण भारतीय विलेजेस की जो स्टेबिलिटी थी, उनकी जो कंटिन्यूएंसी थी, उसका पूरा जो स्ट्रक्चर था, उसका जो पूरा ढांचा था, वो यहाँ पे गड़बड़ हो चुका था, वह चरमरा चुका था, ठीक है। वास्तव में इससे ग्रामीण समाज का पूरा ढांचा ही अब टूटकर बिखरने लगा था, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा आघात था ब्रिटिशर्स के द्वारा, ये एक बहुत बड़ा अटैक था इंडियन फार्मर्स पर, इंडियन विलेजेस पर, इंडियन विलेज जो सिस्टम है, जो स्ट्रक्चर है, जो कल्चर है, उसके ऊपर अंग्रेजों का ये बहुत बड़ा प्रहार था। क्योंकि अगर हम तीनों के तीनों ही बंदोबस्तों की बात करें तो टैक्स की रेट काफ़ी ज़्यादा थी। दूसरा, अगर आप टैक्स नहीं बेचेंगे तो आप टैक्स अगर नहीं भरेंगे तो आपका जो ज़मीन है उसे क्या कर दिया जाता था, नीलाम कर दिया जाता था, ठीक है। आपको आपका टैक्स भरने के लिए आप अपनी ज़मीन को गिरवी रख सकते थे, ट्रांसफ़र कर सकते थे। इस तरह की प्रथाएं ना इंडिया में पहले नहीं चलती थी, लेकिन अब तो क्या है, अब तो ये है कि अंग्रेजों को अपना रेवेन्यू चाहिए, आप कैसे भी करके उन्हें अपना रेवेन्यू दे दीजिए, ठीक है। इसी कारण से इतनी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, और इस तरह से इंडिया के फार्मर्स में, इंडिया के खेतों में, इंडिया के गाँव में एक बुनियादी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, और जो मूल ढांचा है वो चरमरा उठता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम कुछ थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं यहाँ पे, जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ऑलरेडी। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो इस टॉपिक के ऊपर से बार बार पूछे जाते हैं, अगर हम उनकी बात करें, जैसे आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय रैयत बाड़ी सिस्टम, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रैयत बाड़ी सिस्टम हमने सेकेंड नंबर पर डिस्कस किया था, 1820 में इस सिस्टम को शुरू किया था किसने, तो थॉमस मुनरो नामक व्यक्ति ने रैयत बाड़ी सिस्टम को ही क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। इन दिस सिस्टम द पीजेंट्स और कल्टीवेटर वर रिगार्डेड एज द ओनर ऑफ द लैंड, तो इस सिस्टम में आप लोगों को पता है रैयत बाड़ी सिस्टम हो या महलबाड़ी सिस्टम हो, द फार्मर्स आर कंसिडर एज द ओनर ऑफ द लैंड, फार्मर को ही जमीन का मालिक समझा जाता है, ठीक है। फिर दे हैड ओनरशिप राइट कुड सेल मॉर्गेज और गिफ्ट द लैंड, तो उनके पास ये राइट है कि वो अपनी जमीन को बेच सकते हैं, मॉर्गेज कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, चाहे जो कर सकते हैं, ठीक है। द टैक्स वर डायरेक्टली कलेक्टेड बाई द गवर्नमेंट फ्रॉम द पीजेंट्स, तो सबसे बड़ी बात या सबसे मुख्य बात ही ये है, समझ गए ना। तो आपको तो ये ध्यान रखना है कि टैक्स किस तरह से कौन वसूल करता है, तो ये सिंपल सी बात आप लोग ये समझें कि दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक हो गई गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट का मतलब उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, और दूसरा हो गया आपके फार्मर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप तीनों सिस्टम को इतना सा समझें, इस तरह से समझें कि जब हम टोटल या आपके परमानेंट सेटलमेंट की बात करते हैं तो गवर्नमेंट डायरेक्ट फार्मर से कनेक्शन नहीं करती, यहाँ पे एक तीसरा व्यक्ति होता है जिसे जमींदार कहा जाता था, और जमींदार टैक्स कलेक्ट करता था फार्मर्स से, उसका 1% अपने पास रखता था, बाकी गवर्नमेंट को दे देता था। ये है परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। रैयत बाड़ी सिस्टम में ये नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ कौन है, गवर्नमेंट और फार्मर्स। तो यहाँ पे ना जब हम बात करते हैं रैयत बाड़ी की, तो ये हमें देखने को नहीं मिलता है, डायरेक्ट इनके बीच में संबंध होता है, गवर्नमेंट डायरेक्टली फार्मर्स से टैक्स रिसीव करती है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं महलबाड़ी की, तो यहाँ पे गवर्नमेंट और फार्मर के बीच में टैक्स वसूल करने का जो राइट है, वो यहाँ पे अगेन तीसरा व्यक्ति आ जाता है
जिसे हम जमींदार नहीं बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं जिसे कहा जाता है विलेज हेडमैन। ठीक है, क्या कहा जाता है? विलेज हेडमैन। तो ये विलेज हेडमैन के द्वारा वसूला जाता था। ठीक है, तो सिंपल सा पॉइंट है, आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया है, आप लोगों को रैयतवाड़ी का बेसिक कंसेप्ट समझ में ये आ गया है कि द टैक्स वर डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पीजेंट्स। तो जो टैक्स है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट किससे वसूल करती है? पीजेंट्स से, यानी किसानों से। द सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज इंस्टीट्यूटेड इन द 8th सेंचुरी बाई सर थॉमस मुनरो, गवर्नर ऑफ मद्रास इन 1820। तो ये बात भी मैंने आप लोग बताई कि 1820 सिस्टम को शुरू किया गया था, बंदोबस्त को स्टार्ट किया था किसने? थॉमस मुनरो ने, हु वॉज द गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें, दिस वॉज द प्रैक्टिस इन मद्रास एंड बॉम्बे एरिया एज वेल एज असम इन कुर्ग प्रोविंस। तो ये कहाँ कहाँ पर इम्प्लीमेंट हुआ था? तो मद्रास में हुआ था, साथ ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी यानी जो उत्तर पश्चिम भारत है वहां पर, इसके अलावा जो कुर्ग है और जो असम वाला रीजन है वहां पर, जो EIC के अंतर्गत आता है वहां पर इसे लागू किया गया था। लगभग 50% एरिया है, 51% एरिया पर, EIC के टोटल 51% एरिया पर जो रैयतवाड़ी सिस्टम है उसे इम्प्लीमेंट किया गया था। ठीक है, अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रैयतवाड़ी एंड महलवाड़ी सिस्टम। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट द डिफरेंस बिटवीन महलवाड़ी एंड द रैयतवाड़ी। अब आप बताइए कि महलवाड़ी और रैयतवाड़ी में क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहला ही डिफरेंस मैंने आप लोगों को ये बताया है कि जो रैयतवाड़ी सिस्टम है उसमें टैक्स डायरेक्टली किस गवर्नमेंट किससे वसूलती है? फार्मर्स से। बट व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट दी महलवाड़ी सिस्टम, और इन द महलवाड़ी सिस्टम जो टैक्स कलेक्ट करने का काम होता है वो विलेज हेडमैन का होता है, किससे? फार्मर्स से। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ही यही है। ठीक है, अंडर दी महलवाड़ी सिस्टम द लैंड रेवेन्यू वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स बाई द विलेज हेडमैन। ठीक है, ये बात मैंने बताई कि विलेज हेडमैन के द्वारा टैक्स कलेक्ट किया जाता है किसानों से या फार्मर्स से गांव के। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द होल विलेज। ठीक है, किसके बिहाफ में? तो पूरे के पूरे गांव के बिहाफ में, पूरे के पूरे गांव का टैक्स वसूल ही कौन करता है? विलेज हेडमैन। ठीक है, जिसे लामारदार या लामदार ऐसा कुछ कहा जाता था। ठीक है, अंडर द रैयतवाड़ी सिस्टम द लैंड रेवेन्यू वॉज पेड बाई द फार्मर्स डायरेक्टली टू द स्टेट। और वहीं रैयतवाड़ी सिस्टम में जो टैक्स है वो डायरेक्टली पे किया जाता है फार्मर्स के द्वारा स्टेट या गवर्नमेंट को। ठीक है, द जमींदारी सिस्टम वॉज स्टार्टेड बाई द इंपीरियलिस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1793। और जो तीसरा सिस्टम जो सबसे पहले शुरू हुआ वो 1793 में हुआ, जमींदारी सिस्टम, दैट वॉज ऑल्सो नोन एज द परमानेंट सेटलमेंट, स्टार्टेड बाई कॉर्नवालिस। ठीक है, तो कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था 1793 में, 2nd of मई को। ठीक है, 2nd of मई, हाँ 2nd of मई या मार्च। ठीक है, हु स्टार्टेड द महलवाड़ी सिस्टम इन इंडिया। तो भारत में महलवाड़ी सिस्टम किसने शुरू किया था? तो अभी बताया 1833 में किसने किया है? विलियम बेंटिक ने। ठीक है, बट थोड़ा सा और हम अगर हिस्ट्री की बात करें, सो द महलवाड़ी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस बाई होल्ट मैकेंजी इन 1822। तो होल्ट मैकेंजी नामक व्यक्ति थे जिसने 1822 में इस कंसेप्ट को क्या किया था, दिया था। ठीक है, वॉज इंट्रोड्यूस किया था किसने? होल्ट मैकेंजी ने। तो होल्ट मैकेंजी ने इस सिस्टम को 1822 में ही इंट्रोड्यूस कर दिया था। द अदर टू सिस्टम वर इन द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल इन 1793 एंड रैयतवाड़ी इन 1820। ठीक है, इट कवर द स्टेट ऑफ पंजाब, अवध, आगरा, पार्ट ऑफ ओडिशा एंड मध्य प्रदेश। तो ये तो हो गई बात महलवाड़ी की। लेकिन महलवाड़ी में अगर इंट्रोड्यूस की बात करें तो महलवाड़ी को इंट्रोड्यूस करने वाले व्यक्ति का नाम था होल्ट मैकेंजी। बट व्हेन वी डिस्कस अबाउट द कंप्लीटली इंप्लीमेंटिंग की जब हम बात करते हैं तो उसे इंप्लीमेंट किया था पूरी तरह से किसने? तो गवर्नर जनरल जो उस समय के बंगाल के हुआ करते थे, विलियम बेंटिक, जिन्होंने 1833 में इसे इंप्लीमेंट किया था। ठीक है, तो महलवाड़ी बंदोबस्त इंडिया के 30% एरिया पर, जो EIC की टोटल टेरिटरी थी उसके 30% पार्ट पर इंप्लीमेंट किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कंसिक्वेंसेस ऑफ द ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू सिस्टम के क्या कंसिक्वेंसेस होते हैं, क्या इवेंट्स हमें देखने को मिलते हैं इस सिस्टम के कारण, इन बंदोबस्त के कारण? तो अभी भी मैंने यही बताया था कि इन पर्टिकुलर भूमि बंदोबस्तों के कारण क्या होता है कि जो भूमि है वो एक प्रकार की कमोडिटी बन जाती है जिसे इजीली सेल किया जा सकता है, गिरवी रखा जा सकता है, बेचा जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, और इसका बेसिकली टारगेट यही था कि गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू सिक्योर चाहती थी, गवर्नमेंट अपना पार्ट सिक्योर करना चाहती थी। ठीक है, तो देखिए लैंड बिकम अ कमोडिटी, तो सबसे पहला ही पॉइंट क्या होगा कि लैंड एक कमोडिटी, एक वस्तु के रूप में यहाँ पे कन्वर्ट हो चुकी है। अर्लियर देयर वॉज नो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड, तो पहले क्या था कि लैंड की कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं थी। ठीक है, अर्लियर देयर वॉज नो प्राइवेट ओनरशिप ऑफ लैंड, इवन किंग्स एंड कल्टिवेटर्स डिड नॉट कंसिडर लैंड एज हिज प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो जहाँ यहाँ तक कि राजा खुद भी और किसान खुद कभी भी ये नहीं बोलते थे कि ये जो है हमारी प्राइवेट प्राइवेट प्रॉपर्टी है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया है
कि इसे एक प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूप में बना दिया और एक इस प्रकार की प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया जिसे इजीली सेल किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके पहले जो ना तो राजा ये बोलते थे कि जमीन पर पूरी तरह से ये हमारी प्राइवेट या निजी संपत्ति है, ना ही किसान ये बोलते थे। ठीक है, ड्यू टू वेरी हाई टैक्स फार्मर्स रिस्टोर्ड टू ग्रोइंग कैश क्रॉप इंस्टेड ऑफ द फूड क्रॉप, दिस लेड टू फूड इनसिक्योरिटी एंड इवन फेमाइन। तो ये बात मैंने आप लोग बताई थी कि टैक्स जो है वो वसूला जाता था केस के फॉर्म में, और केस रेवेन्यू कलेक्ट करने के रेवेन्यू देने के लिए फार्मर्स अब यहाँ पे मजबूर हो चुके थे ऐसी क्रॉप्स पैदा करने के लिए जो केस क्रॉप हो, जो इजीली उन्हें इमीडिएटली क्या कर सके, केस प्रोवाइड करा सके। ठीक है, तो यहाँ पे अब फोकस जो होने लगा वो फार्मर्स का वो किसके ऊपर होने लगा, केस क्रॉप के की ग्रोइंग को लेकर, जिससे फूड इनसिक्योरिटी पैदा हो गई, अनाज की कमी पैदा होने लगी। ठीक है, और इसी के कारण इंडिया में कई सारे बड़े बड़े भयंकर अकाल भी हमें देखने को उस समय पर मिलते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलती है। टैक्स ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वर मॉडरेट ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश टाइम, द ब्रिटिश मेड इट वेरी हाई रेट। तो ब्रिटिशर्स के पहले जो टैक्स लगा करता था जमीन की उपज पर वो थोड़ा कम था ना, इतना ज्यादा नहीं था। हालांकि उस समय इंडियन फार्मर्स भी, इंडियन रूलर्स भी काफी टैक्स वसूलते थे किसानों से, बट उतना नहीं था जितना ब्रिटिशर्स के आने के बाद लगने लगा था। ठीक है ना, तो ब्रिटिशर्स ने काफी ज्यादा हाई रेट टैक्स लगाया है इंडियन फार्मर्स पर। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी, इससे बड़ी समस्या हम देख सकते हैं। इंसिस्टेंस ऑन कैश पेमेंट ऑफ रेवेन्यू लेड टू मोर इनडेप्टनेस अमोंग द फार्मर्स। अब कैश पेमेंट करने के कारण ही फार्मर्स काफी ज्यादा कर्जे में डूब रहे थे। ठीक है, मनी लेंडर्स बिकम लैंड ओनर्स इन ड्यू कोर्स, और इसी के कारण जो मनी लेंडर्स थे, जो साहूकार थे, वो जमीन के मालिक बनते जा रहे थे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अब आपको कैश पेमेंट करना, और अगर मान लो कि आपका रेवेन्यू उतना जनरेट नहीं हो पाया तो आप क्या करते हैं, आप मनी लेंडर या साहूकारों के पास जाते हैं, और साहूकार को अगर अगले साल भी आपने पेमेंट नहीं कर पाए तो साहूकार आपकी जमीन का मालिक बन जाता है। ठीक है, या फिर सरकार आपकी जमीन को नीलाम कर देती है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम वहां पे देखी जा रही थी। ठीक है, बॉन्डेड लेबर एरोस बिकॉज लोन्स वर गिवन टू फार्मर्स लेबर्स हु कुड नॉट पे इट बैक। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि अब बंधुआ मजदूरी बनते जा रहे हैं, बॉन्डेड लेबर्स बनते जा रहे हैं। ठीक है, साहूकार के या गवर्नमेंट के, क्योंकि वो पे ही नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, फार्मर्स पे ही नहीं कर पा रहे हैं अपने डेब्ट को, तो वो एक प्रकार के बंधुआ मजदूर बनते जा रहे थे। व्हेन इंडिया अचीव्ड फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल, 7% ऑफ ब्लेजर्स ओन्ड 75% ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। बताइए, अब इस जमींदारी व्यवस्था को हम इन्हें मूल रूप से हम जमींदारी सिस्टम बोलें, तो इस जमींदारी व्यवस्थाओं के कारण या इस पूरे के पूरे लैंड रेवेन्यू सिस्टम के कारण जब हम आजाद हुए 1947 में, तो पूरा का पूरा जो एग्रीकल्चर लैंड था, ठीक है ना, जो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर लैंड था, उसे 7% ब्लेजर्स ही क्या कर रहे थे, अपने ओनरशिप में रख रहे थे। ठीक है, तो व्हेन इंडिया अचीव्ड फ्रीडम फ्रॉम कॉलोनियल रूल, तो जैसे ही इंडिया को कॉलोनियल रूल से आजादी मिलती है, यानी इस औपनिवेशिक आजादी मिलती है भारत को, तो 7% ऑफ ब्लेजर्स ओन 75% ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, तो एक गांव के 7% जो लोग थे वो पूरी की पूरे एग्रीकल्चर पूरे एग्रीकल्चर लैंड के 75% पर ओनरशिप रखते थे। यानी एक गांव के 7% गांववासी, एक विलेज के 7% लोग उस विलेज में जितना भी एग्रीकल्चर लैंड है उसके 75% के वो अकेले ओनर थे। और ये सब इसीलिए क्योंकि जमींदारी व्यवस्थाओं के कारण ही या इन प्रकार की व्यवस्थाओं के कारण ही ये इवेंट हमें देखने को मिलता है, ये स्थिति हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है। अब ब्रिटिशर्स ने ऑब्वियसली कि ये बहुत अच्छी पॉलिसी नहीं इंप्लीमेंट करी है, इंडियंस का काफ़ी शोषण किया गया है, इंडियंस के ऊपर काफ़ी अत्याचार किया गया है, और जितना ज़्यादा ये अत्याचार करेंगे उतना ही बड़ा रिवोल्ट होगा, क्योंकि एक व्यक्ति एक लिमिट तक ही सहन कर पाएगा। ठीक है, सभी की एक सहन शक्ति होती है। इंडियंस हालांकि काफ़ी पेशेंस रखते हैं और काफ़ी लंबे समय तक किसी भी जुल्म को वो सहन कर सकते हैं या सहन करने की उनके अंदर एक इच्छा शक्ति होती है, अपने आप को उन्होंने ऐसा बनाया हुआ होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक लिमिट होती है, किसी के साथ अगर अन्याय भी हो तो उसका भी एक लिमिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करी है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिसी हो, चाहे वो कल्चरल पॉलिसी हो, चाहे वो सोशल पॉलिसी हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, या हम यहाँ पे देख रहे हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स जो उन्होंने लेकर आए हैं,
इन सारी चीजों के कारण, ब्रिटिशर्स की इन पर्टिकुलर पॉलिसीज के कारण हमें क्या देखने को मिलते हैं, ब्रिटिशर्स के इन एक्शन के कारण हमें देखने को मिलते हैं कई सारे रिवोल्ट्स और अपराइजिंग्स। तो कई सारे ऐसे आंदोलन हुए हैं, कई सारे ऐसी क्रांतियां हुई हैं, जैसे कि इंडिगो रिवेलियन, सबसे खास सबसे फेमस हम देखते हैं इंडिगो रिवेलियन, यानी नील विद्रोह या नील आंदोलन जो हुआ था 1860 के अप्रोक्स, 1860 के लगभग एक नील आंदोलन हुआ था बंगाल बिहार वाले रीजन में, ठीक है। तो वो नील आंदोलन, हालांकि हम जब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ही जब इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करते हैं उस टाइम पर भी हम चंपारण सत्याग्रह देखते हैं जो बिहार के नील कृषकों के द्वारा किया गया था, और गांधी जी भी उसमें शामिल हुए थे, पार्टिसिपेट उन्होंने भी किया था 1917 में। तो नील की खेती के कारण या नील की खेती की स्थितियों के कारण, परिस्थितियों के कारण या कंडीशंस के कारण वहां के फार्मर्स काफी परेशान थे, और वो सब ब्रिटिशर्स की के इन पॉलिसीज के कारण ही हो रहा था। इसके अलावा सोशियो रिलीजियस मूवमेंट जो 18th और 19th सेंचुरी में हमने देखने को मिलते हैं, सोशियो रिलीजियस का मतलब सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन, और वो भी ब्रिटिशर्स की कई सारी ऐसी पॉलिसीज रही है, नीति रही है उनके कारण है, जैसे आर्य समाज है, या फिर हम बात करें ब्रह्म समाज है, थियोसोफिकल सोसाइटी है, ठीक है। तो ये सोशियो रिलीजियस मूवमेंट हुए, इसमें हालांकि कुछ इंडियंस की भी जो पुरानी धार्मिक परंपराएं हैं उनके कारण भी हुए, और कुछ ब्रिटिशर्स की पॉलिसी उनके कारण भी ये मूवमेंट हुए थे, ठीक है। फिर पॉपुलर, फिर इसके अलावा अगर हम बात करें तो पीजेंट मूवमेंट इन 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में कई सारे कृषक आंदोलन हुए थे उनकी हम बात करेंगे। पाइका रिवेलियन एक हुआ था देश में, संथाल रिवोल्ट हमें देखने को मिलता है, तो संथाल, पाइका, इंडिगो, ठीक है, सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, इसके अलावा जो पीजेंट्स मूवमेंट्स है 19th सेंचुरी के, ये सारी चीजें जो हुई हैं इन सब का कारण जो है वो ब्रिटिश पॉलिसीज है, ठीक है। तो ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ, ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ काफी रिवोल्ट्स, काफी अपराइजिंग हमारे देश में हुए हैं, ठीक है। उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है, दैट टॉपिक वाज द लेक्चर नंबर 5 व्हिच वाज नोन एज ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज, अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियाँ, एंड इन दिस लेक्चर वी डिस्कस द 3 इंपॉर्टेंट लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज। वन वाज द परमानेंट सेटलमेंट, सेकेंड वॉज रैयतवाड़ी, एंड थर्ड वॉज द महालवाड़ी सिस्टम, ओके। सो यहाँ पे हम इस लेक्चर को, इस टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, कंक्लूड करते हैं, और अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 6, ठीक है।